हेलो भाई, मेरा नाम अंकित कुमार और मैं इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का जो चैप्टर है उस चैप्टर का लेखक का नाम, पाठ का नाम, जन्म, मृत्यु, कौन सी पाठ कहानी है या निबंध है या विधा है, जो भी है और कहाँ कहाँ है, सब इस वीडियो में हम बताएंगे। ये देखिए, क्लास 12 हिंदी का पूरा पाठ का नाम और जन्म, मृत्यु, लेखक, कहानी कहाँ कहाँ है। देखिए, पहले देखिए, पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, जन्म है, मृत्यु है, पाठ की विधा है और कहाँ है। तो ये देखिए, पहला मेरा चैप्टर है बातचीत। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ है। यह एक निबंध है, पेपर में आएगा। बातचीत क्या है? लेखक, निबंध या क्या, जो भी ऑप्शन में होगा निबंध है तो आप लोग निबंध पर टिक लगाइएगा। ये देखिए, इलाहाबाद यूपी का है। यह इलाहाबाद में इसका बालकृष्ण भट्ट है। ये देखिए, दो पाठ क्या है? उसने कहा था, किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पाठ है दो, उसने कहा था। इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ है जन्म। और मृत्यु देखिए 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ है। जो यह एक प्रकार की कहानी है, यह क्या है? एक कहानी है। जयपुर राजस्थान का है, यह जयपुर राजस्थान का है। ये देखिए, तीसरा पाठ क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण। इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ है। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी में हुआ है। यह एक भाषा है, पेपर में आएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो एक प्रकार की यह भाषा है, यह सीतरा दीवरा से है, ठीक है। तो ये सब बताएंगे इसमें। देखिए, ये चार पाठ क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक पाठ है, जिस चार चैप्टर है। इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनाकर। रामधारी सिंह दिनाकर का जन्म पूछेगा, रामधारी सिंह दिनाकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनाकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और पूछेगा इसका मृत्यु, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। यह एक प्रकार की निबंध है, सिमरिया बेंगलुरु बिहार और बिहार में है जो कि, ठीक है। अब देखिए, ये पांच पाठ है मेरा, रोज पांच पाठ है। इसका लेखक है स्वहिवा अज्ञाय। यह पूरा नाम नहीं लिखे, इसमें नहीं हटेगा। ये देखिए, सात मार्च इसका जन्म हुआ है, 7 मार्च 1911 ईस्वी में, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। अब देखिए, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। किसका? तो स्वहिवा अज्ञाय का। अब देखिए, यह एक प्रकार की कहानी है, यह एक क्या है? कहानी है। यह कहाँ से है कहानी? तो ये देखिए, कौशिया कुशीनगर जो कि है यूपी में है। देखिए, अब देखिए, छः पाठ क्या है? छः पाठ बोल रहा है, एक लेखक और एक पुत्र। यह छः, एक लेखक और एक पुत्र का जो लेखक है भगत सिंह है। भगत सिंह के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। यह देखिए पाठ, इसका जो जन्म है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में जन्म हुआ है। पेपर में आएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 28 सितंबर 1907। और इनका मृत्यु कब हुआ? 23 मार्च 1931 में। यह एक प्रकार के निबंध लिखे थे, यह एक निबंध है जो कि कहाँ से, लायलनपुर
पाकिस्तान में है, लालनपुर पाकिस्तान में है। ये देखिए सात पार्ट, वो सदानिया, वो सदानिया निर्या, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माधुर, इसका मृत्यु जन्म देखिए 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ है और ये 14 मार्च 1978 में इसका क्या हुआ है, मृत्यु हो गया 14 मई 1978 में इसका मृत्यु हो गया। यह एक प्रकार की निबंध है और यह निबंध है और यह शाहजहाँपुर यूपी है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में यूपी लिखे हैं, ये है। ये देखिए आठ पार्ट क्या है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और किसी के पास भेजिए जो जिसका पेपर हिंदी का है उसके पास। ये देखिए आठ पार्ट है सिपाही की माँ, इसका लेखक है मोहन राकेश। इसमें देखिए दो नाम है पर एक ही नाम में दो नाम जुटा है, मोहन राकेश। तो इसका जन्म हुआ है आठ जनवरी 1925 ईस्वी में और देखिए इसका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। यह एक प्रकार के एकांकी लिखे थे, एकांकी एक जिसमें ये सब होता है कहानी निबंध, उसी प्रकार के एक एकांकी होता है। तो यह एक प्रकार के एकांकी लिखे थे, अमृतसर बाजार पंजाब में है, अमृतसर पंजाब के ये है। अब देखिए परगीत और समाज नौ पाठ है, इसका लेखक है नामवर सिंह, जिसका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ है, और इसका मृत्यु बुक में नहीं दिया है। और देखिए यह एक प्रकार के निबंध है जौनपुर बनारसी से है। यह 10 पाठ देखिए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन एक पाठ है जिसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि है जिसका ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ है और इसका मृत्यु बुक में नहीं दिया है। यह देखिए एक क्या लिखे थे, आत्मकथा, यह एक प्रकार के आत्मकथा लिखे थे। यह कहाँ से, ये देखिए यह कहाँ के थे, तो बरला मुजफ्फरपुर नगर, यह एक बरला मुजफ्फरपुर नगर जो कि यूपी में है। देखिए ये 11 चैप्टर क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, आप लोग बुक में देख लीजिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह देखिए इसका जो लेखक है मल्लयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ है, 1935 ईस्वी में, और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था। यह एक डायरी लिखे थे। महुई आज मगध जो कि यूपी में है, महुई आज बदक, यह एक यूपी में है। यह देखिए 12 पाठ क्या है, तिरिच जो कि एक चैप्टर है मेरा 12 चैप्टर। तो ये तिरिच जो लिखे थे ना, उदय प्रकाश एक तिरिच चैप्टर है, लेखक का नाम है और ये तिरिच का लेखक जो है उदय प्रकाश, जिसका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ है और इसका मृत्यु नहीं दिया है, ठीक है।
यह एक प्रकार के कहानी लिखे थे, यह एक प्रकार के क्या लिखे थे, कहानी लिखे थे, जो कि बहुत मस्त कहानी लिखे थे। इस कहानी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, आप लोग बुक भी पढ़ सकते हैं। यह एक कहाँ से है तो सीतापुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह एक सीतापुर से है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए मेरा लास्ट चैप्टर है 13, शिक्षा, जो कि आप सब पढ़ते हैं शिक्षा। यह एक शिक्षा जो कि लिखने वाला इनका लेखक है जे कृष्ण मूर्ति, जो कि इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था, 1895 ईस्वी में, और मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रकार के संभाषण लिखे थे, यानी कि संभाषण, यानी कि भाषण आप सब सुनते होंगे तो उसमें एक संभाषण होता है, वह एक संभाषण लिखे थे। यह कहाँ से लिखे थे, बोल कहाँ के थे तो देखिए यहाँ पर लिखे मध्य नेपाली आंध्र प्रदेश में है, जो कि हम तो इस वीडियो में आप यह लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु, कहाँ का है, पाठ की विधा, ये सब मैं इस वीडियो में बता दिए, और आप सब इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप सबको पूरे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो ठीक है, इस वीडियो में अब यही है, आप सब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या आप जिसको ये चाहिए नोट्स वह कमेंट में अपना नंबर दे दे, हम इसे फ़ोटो भेज देंगे, और आप सब इस चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है।